ईश्वर का दिया हुआ कभी कुछ कम नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार प्रिय मित्रों, आओ विचार करें। श्रृंखला के अंतर्गत माधुरी आपके लिए लेकर आई है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, नेक सलाह। ओह माँ जी, आप भी ना, अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरह के निराशाजनक शब्द बोलती हैं। अभी तो आप बहुत साल जिएंगी, पोते पोती छोटे हैं ना, उनकी शादी पर उन्हें आशीर्वाद देने से पहले थोड़े ही जाने देंगे आपको। सौम्या अपनी सासू माँ के हाथ में चाय की प्याली थमाते हुए बोल पड़ी। बहू की ओर प्यार भरी निगाहों से एक टक देखते हुए कल्याणी अपने दिल में उमड़ते घुमड़ते भावों को एक पल के लिए सहेजती तो दूसरे ही पल उन्हें कुचल डालती। सोचने लगती, न जाने कैसे कह देते हैं लोग कि बहू तो कभी बेटी जैसी हो ही नहीं सकती। शायद वे लोग बहू को बेटी जैसा प्यार ही नहीं देते होंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतरते कल्याणी ने चाय की अंतिम घूंट गले से नीचे उतारी थी कि उसे अपनी सहेली अरुणा के साथ किए गए वायदे का ध्यान आया कि वो उसका इंतजार कर रही होगी। बहू से जल्दी लौटने की बात कहकर कल्याणी अरुणा से मिलने चल पड़ी। मन ही मन सोच रही थी कि अब जिंदगी का क्या ठिकाना, न जाने कब अपने असली घर जाने का बुलावा आ जाए। अब उसे अपना सभी कुछ अपने बेटे बहू के हवाले कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। घर पहुंचते ही आज वो बेटे राहुल से बात कर अपनी जमा पूंजी, जो कुछ भी उसके पास उसके पति छोड़ गए हैं, राहुल को थमा देगी। उसके बाद भी तो आखिर बेटे को ही मिलना है ना, तो क्यों ना समय रहते ही उसे सौंप दिया जाए। इन्हीं विचारों में खोए हुए न जाने कब वो अरुणा के पास पहुंच गई। उसे तब एहसास हुआ जब रूंधे गले से निकलती आवाज ने उसका स्वागत किया। आज अरुणा के मुरझाए चेहरे की बुझी हुई आंखों ने उसे बिना कहे ही बहुत कुछ बता दिया। कल्याणी का हाथ पकड़कर रूंधे कंठ से बोल पड़ी, बहन मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अपना सर्वस्व बच्चों पर ये सोचकर न्योछावर कर दिया कि मुझे अब जीना ही कितने दिन है, यही सोचकर सब कुछ बच्चों में बांट दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस वृद्ध शरीर के, जो संभाले भी नहीं संभलता। इसीलिए मैं अब किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ। मेरी हर बात नज़रअंदाज कर दी जाती है। अपने ही घर में परायों जैसा बर्ताव होने लगा है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। अरुणा के मुरझाई झुर्रियों से भरे चेहरे पर ढुलकते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कल्याणी को नेक सलाह मिल गई। मन में संकल्प लिया कि जीते जी अपना हाथ जगन्नाथ ही रखेगी, इसी में उसकी भलाई है। आओ विचार करें श्रृंखला में मित्रों, आज बस इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।